नमस्कार, वर्तमानर मुख्य समाचार। लोकसभा निर्वाचन 2024 बीजेपी संकल्प पत्र नाम निजर निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करिछि। नूआदिल्लीस्थित बीजेपी मुख्य कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इस्ताहार कमिटी अध्यक्ष तथा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थिति में बीजेपी इस्ताहार पत्र उन्मोचन कर केन्द्र सरकार विभिन्न योजनार लाभ पाई हिताधिकारी स्वतंत्र अतिथि भाव आमंत्रण कर इस्ताहार पत्र कॉपी दि जाए। पुनर्बार क्षमता को आसिले गरीब युववर्ग चाषी और नारी शक्ति सशक्तिकरण उपरे प्राथमिकता दिया बोली संकल्प पत्र रे बीजेपी प्रतिश्रुति देछि। आगामी दिन में 3 कोटी लक्ष्यपति दीदी को प्रस्तुत करा जीव, 10 कोटी महिला को आईटी एवं पर्यटन क्षेत्र में तालीम दिया जीव, युववर्गों पर नूतन निजुक्ति सुजोग सृष्टि करा जीवा सह मुद्रा योजना रे ऋण सीमा 20 लक्ष को वृद्धि कराइबा संकल्प पत्र रे बीजेपी उल्लेख करिछि। सेहिपरि जन औषधि केन्द्र विस्तार करने 70 वर्षरु अधिक बयसर सबु नागरिक को आयुष्मान योजना रे सामिल करा जीवो। एक देश एक निर्वाचन एकक नागरिक संहिता 6G प्रजुक्ति लागू करने भारत को विश्वर तृतीय आर्थिक महाशक्ति भाव विकसित करने बीजेपी निजर इस्ताहार रे प्रतिश्रुति देछि। बीजेपी संकल्प पत्र उन्मोचन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते गत 10 वर्ष मध्य बीजेपी निजर संकल्प पत्र प्रत्येक बिंदु को ग्यारंटी आकार में कार्यकारी करुछि। बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार पवित्रता को पुनः प्रतिष्ठा करिछि। आगामी निर्वाचन पर बीजेपी संकल्प पत्र में गरीब युववर्ग महिला और चाषी सशक्तिकरण उपर गुरुत्व दि जाएगी। यह इस्ताहार संकल्प मात्रा और सुजोगर गुणवत्ता उपर जोर दि जाएगी। एकविंश शताब्दीर मूलदुआ भावे 3 प्रकार भित्तिभूमि को मजबूत कराजिबा बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिछंती। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस बीजेपी रे संकल्प पत्र को नहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिक्रिया रखी। श्री खड़गे गत 10 वर्ष मध्य बीजेपी एपरी कौन काम करना जहाद्वारा देशर जनता युववर्ग महिला किंवा चाषी को कौन लाभ मिली। कांग्रेस मुखपात्र पवन खेड़ा बीजेपी इस्ताहार पत्र को समालोचना कर गत थर निर्वाचन समय बीजेपी कलाधन फेर आने 100 स्मार्ट सिटी निर्माण प्रतिश्रुति से ही सब प्रतिश्रुति केते मात्रा रे पूर्ण होई छि ता समस्ते जानंती। सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे है, उसकी उनको। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश होशंगाबाद रे एक विशाल जनसभा को संबोधित करिछंती। दलय प्रार्थी प्रचार कर से कांग्रेस को समालोचना कर आज बाबा साहेब आंबेडकर जयंती अवसर में स्मृतिचारण कर प्रधानमंत्री कहते कांग्रेस केवे भी आंबेडकर को उचित सम्मान देना। बीजेपी आंबेडकर जन्मस्थल समेत जीवनी सह जड़ित 5 स्थान को पंचतीर्थ भाव विकसित करी। बाबा साहेब निर्मित संविधान कारण आज ताली गरीब मार पु देशर प्रधानमंत्री हो पार्थ्वा श्री मोदी कहते घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी।
लोकसभा निर्वाचन मतदान तारीख जेतिकी पाखी आसुची विरोधी दलर प्रचार अभियान सेतिकी जोरदार हेउची। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र नागपुर गस्त करी सेठारे दलीय प्रार्थी प्रचार करुछंती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य आज राजस्थान जालौर निर्वाचन प्रचार करुछंती। विरोधी इंडिया मेंटर आरजेडी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी डीएमके आदि दल मध्य सेमानकर प्रचार अभियान को त्वरान्वित करुछंती। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट पढ़ने के लिए बोलो और जो स्वतंत्र आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद में जिस ढंग से पुनः पैक्ट हुआ, गांधी जी ने जिस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर मिलके जो दलितों के लिए घिर जाता है इंसान, चाहे उसके संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत ना बताएं। सारा देश में आज संविधान प्रणेता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का जयंती पालित होउछि। संसद भवन परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बहु विशिष्ट व्यक्ति बाबा साहेब को श्रद्धांजलि जनाइछंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला प्रमुख संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को प्रतिमूर्ति में पुष्पांजलि अर्पण करिछंती। सेहीपरि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बहु केन्द्रमंत्री विरोधी दल सांसद माने मध्य बाबा साहेब को जयंती रे श्रद्धा सुमन जनाइछंती। राज्यर विभिन्न स्थान राज्य संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पालित होउछि। भुवनेश्वर रे सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षरु राज्यस्तरीय आंबेडकर जयंती समारोह पालन करा जाउछि। भुवनेश्वर रे एजी छकस्थित आंबेडकर का प्रतिमूर्ति रे सूचना और लोकसंपर्क विभाग अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठन कर्मकर्ता माने पुष्पमाल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि जनाइछंती। आंबेडकर जयंती उपलक्षे राज्यपाल रघुबर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख संविधान प्रणेतांक स्मृतिचारण करिछंती। पवित्र महाविषुव संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष आज राज्यव्यापी पालित होउछि। एहि उपलक्षे विभिन्न मंदिर और धर्मानुष्ठान स्वतंत्र पूजा करा जाउछि। राज्य में आज हनुमान जयंती पालन करा जाउछि। हनुमान मंदिर गुड़िक स्वतंत्र यज्ञानुष्ठान एवं पूजार्चना चली। मंदिर गुड़िक आज सका भक्त मानकर भिड़ लागि रही। राज्य केतेक जिले में झामुजात्रा, चैती पर्व और दंडजात्रा अनुष्ठित होउछि। पणा संक्रांति अवसर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान पक्षर पणा वितरण करा जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह, राज्यपाल रघुबर दास, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख राज्यवासी को महाविषुव पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्षर शुभकामना जनाइछंती। अंतर्जातीय बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक पूरी बेलाभूमि निजर कलाकृति जरिया अभिनंदन जनाइछंती। संबलपुर लोकसभा बीजेपी प्रार्थी तथा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज संबलपुर निजर प्रचार अभियान जारी रखिछन्ति। आज ओडिया नववर्ष, महाविषुव संक्रांति और हनुमान जयंती अवसर में श्री प्रधान संबलपुर स्थित हनुमान मंदिर, धम्मा और साहसपुर विभिन्न मंदिर दर्शन पूजार्चना करिछन्ति। स्थानीय लोकमाने केन्द्रमंत्री को विपुल स्वागत जनाइथिले। प्रचार अभियान अभिसार श्री प्रधान ठेलकोपड़ा ठारे बीजेपी अनुसूचित जाति समाज कार्यकर्ता दुष्मंत बेहरा परिवार सदस्य को भेटिथिले। से तांका घरे जलखिया खाइथिले। एथिपूर्व श्री प्रधान संबलपुर भारत रत्न डॉक्टर बी आर आंबेडकर जयंती अवसर में तांको श्रद्धांजलि जनाइथिले। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। आसंता पांच दिन मध्य राज्य में स्वाभाविक दिन तापमात्रा 4-6 डिग्री सेल्सियस पर्यंत वृद्धि पाइब। आसंता दुई दिन मध्य खोर्धा, कटक, पुरी, नयागढ़, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक और ढेंकानाल जिले में अधिक गरम और गुळुगुळि अनुभूत होगा नहीं भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। एसबु जिला येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे आसंता काली सकाळ सुद्धा कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले में हालुका वर्षा और काल बैशाखीर आशंका करा जाइछि। वर्तमान पर मुख्य समाचार को एठि रखुछु। नमस्कार।